नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 30.1 का टाइप 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का एक्सरसाइज 30.1 खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, टाइप 6 है ना, टाइप 6 आप लोग देख सकते हैं। टाइप 6 में लिखा हुआ है दो रेखाओं को शामिल करने वाले तल के समीकरण पर आधारित प्रश्न, है ना। दो रेखाओं को शामिल करने वाले तल के समीकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तल के समीकरण पर आधारित प्रश्न मतलब बोल रहा है, जब दो रेखा एक ही समतल से गुजरेगा, जब दो रेखा एक ही समतल से गुजरेगा तो उस समतल का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, देख लीजिए। एक सरल रेखा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b तथा वेक्टर r इक्वल टू a डैश वेक्टर प्लस म्यू b डैश वेक्टर को शामिल करने वाले तल का समीकरण, मतलब अगर सदिश रूप में देगा तो इसका यूज करेंगे ये फॉर्मूला का, और अगर कार्तीय रूप में देगा तो इसका यूज करेंगे ना, कार्तीय रूप में देगा तो इसका यूज करेंगे। ऐसे कार्तीय रूप वाला ही इजी होता है ना, इसका यूज करेंगे। सदिश रूप में भी देगा तो इसी का अगर यूज करेंगे तो आराम से बन जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा, ये इससे क्या होगा, शॉर्टकट तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दो रेखाओं को शामिल करने वाले तल का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात करें, सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग है ना बनाते हैं बोर्ड पे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से लिख लेते हैं यहाँ पे। माना कि रेखा रेखा वन का समीकरण है ना, वेक्टर r इक्वल टू दिया हुआ है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस लेमडा इंटू डिवाइड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और रेखा टू का समीकरण वेक्टर r इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू इंटू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। तो वो हमको निकालना है समतल का समीकरण, है ना, इन दोनों रेखाओं को शामिल करने वाला समतल का समीकरण निकालना है। देखिए ध्यान से, तो है ना, रेखा वन एवं रेखा टू को शामिल करने वाला, है ना, शामिल करने वाला तल का समीकरण सच दैट व्हाट। तो देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत इजी है, बस खाली फॉर्मूला का यूज कर देंगे, है ना, सिर्फ फॉर्मूला का यूज कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, है ना, रेखा वन के समीकरण से पहले निकालते हैं। रेखा वन के समीकरण से, तो रेखा वन के समीकरण से देखे, तो यहां जो दिया हुआ रहेगा इसका गुणांक, इसको मानेंगे x1 by 1 z1, क्या मानेंगे x1 by 1 z1। देखे तो माने x1 equal to 1 by 1 equal to 2 और z1 equal to -4, और इस साइड जो दिया हुआ रहेगा इसको मानेंगे l1 m1 n1, क्या मानेंगे l1 m1 n1। तो देखे ध्यान से, m1 बराबर 3 और n1 बराबर 6, है ना, 2 3 6 है, तो 2 3 6। अब रेखा 2 से चलेंगे, रेखा 2
से, तो रेखा टू से हमें देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थ्री थ्री माइनस फाइव, तो होगा हमारा एक्स टू बाई टू और जेड टू, तो लिख लेते हैं एक्स टू बराबर थ्री बाई टू बराबर थ्री और जेड टू बराबर माइनस फाइव, माइनस फाइव, और ये दिया हुआ रहेगा म्यू के बगल में, इसको मानेंगे क्या चीज, एल एल टू एम टू एन टू, ठीक है, तो एल टू बराबर माइनस टू, एम टू बराबर थ्री और एन टू बराबर एट। अब यूज कर देंगे फॉर्मूला का, है ना, समतल के समीकरण का यूज कर देंगे। देखिए तो समतल का समीकरण क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाई माइनस बाई वन और z माइनस जेड वन और l1 m1 n1 और क्या होता है l2 m2 n2 बराबर जीरो, इसका यूज कर देंगे तो निकल जाएगा, है ना। आप लोग x1 y1 और z1 के स्थान पर, x1 y1 z1 के स्थान पे आप लोग x2 y2 z2 भी रख सकते हैं, है ना, x2 y2 z2 भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यूज कर देते हैं फॉर्मूला का, अब तो लिखते हैं समतल के समीकरण, है ना, समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, देख लीजिए x माइनस एक्स वन, तो x1 कितना है 1, y माइनस बाई वन, बाई वन कितना है 2, और z माइनस जेड वन, जेड वन कितना है माइनस 4, ठीक है माइनस फोर। फिर देख लीजिए एक्स टू, सॉरी एक्स टू बाई टू जेड टू से अब मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखेंगे एल वन एम वन एन वन, क्या है एल वन एम वन एन वन, तो लिख दीजिए दो तीन और छः, और माइनस दो तीन और आठ, माइनस दो तीन और आठ बराबर जीरो। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका x माइनस वन, यहाँ हो जाएगा y माइनस टू, यहाँ हो जाएगा आपका z प्लस फोर, यहाँ हो जाएगा दो तीन, या डायरेक्ट विस्तार कर देते हैं, यहाँ से ज़्यादा लंबा नहीं, डायरेक्ट विस्तार कर दीजिए। साइन का होता है प्लस माइनस और प्लस, तो विस्तार कर देंगे तो x माइनस वन लेंगे, तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तीन गुना आठ करेंगे चौबीस आएगा, और तीन गुना छः करेंगे तो अठारह आएगा, फिर माइनस बाई माइनस टू लेंगे, तीसरा कॉलम और रो छोड़ देंगे, कॉलम और रो, तो दो गुना आठ करेंगे तो सोलह आएगा, और माइनस माइनस दो गुना छः करेंगे माइनस बारह, नहीं होगा प्लस बारह। चलिए फिर प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो होगा जेड प्लस फोर, तो इसका कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देंगे, कॉलम और रो छोड़ देंगे, दो गुना तीन तो जाएगा छः, और माइनस माइनस दो गुना तीन तो होगा माइनस छः, होगा प्लस छः बराबर जीरो। अब देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा x माइनस वन, चौबीस में से अठारह घटेगा तो क्या हो जाएगा छः, फिर माइनस बाई माइनस टू, सोलह और बारह कितना हो जाएगा अट्ठाईस, फिर प्लस जेड प्लस फोर, तो छः छः कितना हो जाएगा बारह, बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा छः एक्स माइनस छः, यहाँ होगा माइनस अट्ठाईस बाई, या माइनस माइनस प्लस छप्पन, फिर होगा पे प्लस बारह जेड, बारह चौक अड़तालीस बराबर जीरो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए तो अब x वाला को, y वाला को, z वाला को लिख लेते हैं अलग, तो हो जाएगा छः एक्स, फिर छः एक्स अट्ठाईस गुना बाई, अट्ठाईस बाई हमने लिखे अट्ठाईस बाई, है ना, अट्ठाईस बाई, तो अट्ठाईस बाई। तो चलिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ, दिखाइए कि रेखा इतना और इतना सहतलीय है और उनको शामिल करने वाले तल का समीकरण भी ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले देखें, लिखते हैं माना कि, है ना, माना कि x माइनस, यानी रेखा वन का समीकरण, रेखा वन का समीकरण, तो रेखा वन का समीकरण x माइनस थ्री बाय टू बराबर y प्लस वन बाय माइनस थ्री बराबर z प्लस टू बाय वन, और रेखा टू का समीकरण, रेखा टू का समीकरण, तो रेखा टू का समीकरण x माइनस सेवन वाई माइनस थ्री
बराबर बाई बटे वन बराबर जेड प्लस सेवन बाय टू, जेड प्लस सेवन बाय टू। ठीक है, तो हमको पहले ये दिखाना है कि ये दोनों सहतलीय है, सहतलीय, और उसके बाद फिर समतल का समीकरण भी निकालना है। ठीक है, तो दिखाना है कि, तो दिखाना है कि रेखा वन एवं टू, रेखा वन एवं रेखा टू, रेखा वन एवं रेखा टू सहतलीय है, सहतलीय है एवं रेखा वन एवं दो को शामिल करने वाला तल का समीकरण, शामिल करने वाला तल का समीकरण, करने वाला तल का समीकरण सच डैट व्हाट। चलिए तो देखिए ध्यान से आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेखा वन के समीकरण से, रेखा वन के समीकरण से, समीकरण से, रेखा वन के समीकरण से। देखिए रेखा वन का समीकरण क्या है, x माइनस थ्री बाय टू बराबर बाई, बाई प्लस वन है तो इसको लिख देंगे बाई माइनस माइनस वन बाई माइनस थ्री बराबर जेड प्लस टू है तो इसको लिख देंगे जेड माइनस माइनस टू बाई वन। तो ये जो है हमारा थ्री, ये हो गया हमारा x1, तो x1 बराबर थ्री, ये हो गया हमारा बाई वन, तो बाई वन बराबर माइनस वन, ये हो गया हमारा जेड वन, तो जेड वन बराबर माइनस टू, नीचे हो गया एल वन, तो एल वन बराबर दो, एम वन बराबर माइनस तीन और एन वन बराबर हो जाएगा वन। अब देखिए ध्यान से, अब लिखते हैं रेखा टू के समीकरण से, रेखा टू के समीकरण से, तो रेखा टू के समीकरण से, तो रेखा टू में देख लीजिए, तो दिया हुआ है हमारा एक्स माइनस सेवन बटे माइनस थ्री, यहाँ दिया बाई, तो इसको लिख सकते हैं बाई माइनस जीरो बटे वन, यहाँ लिख सकते हैं जेड माइनस माइनस सेवन बटे टू, ठीक है बटे टू, और ये होगा हमारा एक्स टू, ये हो जाएगा हमारा बाई टू, तो एक्स टू बराबर माइनस सेवन, बाई टू बराबर जीरो और जेड टू बराबर माइनस सेवन, माइनस सेवन ये होगा हमारा प्लस सेवन, सेवन दिया तो प्लस सेवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक्स टू बराबर कितना आ गया सेवन, बाई टू बराबर जीरो और जेड टू बराबर माइनस सेवन, और नीचे होगा एल टू, तो एल टू बराबर हो जाएगा हमारा माइनस थ्री, ये हो जाएगा हमारा एम टू, एम टू बराबर हो जाएगा वन और एन टू बराबर हो जाएगा टू। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अब हम चेक करते हैं सहतलीय है या नहीं, तो सहतलीय फार्मूला होता है देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन बाय टू माइनस बाय वन और जेड टू माइनस जेड वन बराबर यहाँ होता है एल वन एम वन एन वन, यहाँ होता है एल टू एम टू और एन टू। ठीक है, अगर इतना का मान जीरो आ जाएगा तो सहतलीय है, जीरो नहीं आएगा तो सहतलीय नहीं है। तो क्या एक्स टू माइनस एक्स वन, तो सात में से तीन घटेगा तो कितना आएगा चार, बाय टू माइनस बाय वन तो जीरो में से माइनस एक घटेगा तो प्लस वन, जेड टू माइनस जेड वन तो माइनस सेवन में से माइनस टू घटेगा, माइनस सेवन में से माइनस टू घटेगा तो होगा माइनस फाइव। अब एल वन एम वन एन वन लिख दीजिए, दो माइनस तीन और एक, दो माइनस तीन और एक, एल टू एम टू एन टू, तो एल टू माइनस थ्री, एम टू है वन और एन टू है दो। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, तो इसको आउट करते हैं प्लस माइनस और प्लस, तो यहाँ पे चार लेंगे तो चार का रो, चार का कॉलम और रो छोड़ देंगे तो माइनस तीन गुना दो तो होगा माइनस छः, वन गुना वन तो होगा माइनस वन। चलिए उसके बाद माइनस वन लेंगे तो वन का कॉलम रो छोड़ देंगे तो दूनी चार और माइनस होगा प्लस हो जाएगा तीन, फिर प्लस माइनस माइनस फाइव, फाइव लेंगे फाइव का कॉलम रो छोड़ेंगे, माइनस फाइव का कॉलम रो छोड़ेंगे दो गुना एक तो दो और माइनस तीन दिया होगा माइनस नौ। चलिए इसको तोड़ दीजिए तो होगा चार और सच हो जाएगा अट्ठाईस, माइनस अट्ठाईस
यहाँ हो जाएगा आपका माइनस सात, और यहाँ हो जाएगा आपका नौ में से दो घटेगा, तो नौ में से दो घटेगा तो हो जाएगा आपका माइनस सात और माइनस पाँच, तो सत पचे पैंतीस यानी प्लस पैंतीस। तो यहाँ देखिए माइनस अट्ठाईस माइनस सात, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा माइनस पैंतीस प्लस पैंतीस, तो कट के कितना आ गया जीरो, जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो क्या आ गया सहतलीय है, तो लिख देंगे सहतलीय है ना, रेखा वन एवं टू सहतलीय है, सहतलीय है। अब निकालते हैं समतल का समीकरण, दोनों रेखा को शामिल करने वाला समतल, समतल का समीकरण है ना, दोनों रेखा को शामिल करने वाला समतल का समीकरण, तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन है ना, एक्स माइनस एक्स वन होता है, एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन कितना दिया हुआ है तीन, तो बाई माइनस बाई वन, तो बाई वन कितना है माइनस तीन, बाई वन है माइनस वन, बाई वन है माइनस होगा प्लस वन, जेड माइनस जेड वन, तो माइनस टू दिया हुआ है तो होगा जेड प्लस टू, और फिर होता है नीचे में एल वन एम वन एन वन, तो एल वन एम वन एन वन, दो माइनस तीन और एक, तो दो माइनस तीन और एक, फिर होता है एल टू एम टू एन टू, तो माइनस तीन एक दो, माइनस तीन एक दो, चलिए इसको तोड़ दीजिए तो होगा एक्स माइनस थ्री लेंगे यहाँ से, तो रो कॉलम छोड़ देंगे तो माइनस छः और माइनस एक, फिर माइनस बाई प्लस वन लेंगे, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो होगा चार और प्लस तीन, और फिर प्लस जेड प्लस टू लेंगे तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो होगा दो और माइनस नौ, तो यहाँ देखिए तो होगा माइनस सेवन एक्स और प्लस इक्कीस, यहाँ होगा माइनस सेवन बाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस सेवन, यहाँ पर हो जाएगा आपका नौ में से दो घटेगा माइनस सात, तो हो जाएगा आपका माइनस सेवन जेड और माइनस चौदह है ना, माइनस चौदह बराबर जीरो, बराबर जीरो दे दीजिए। चलिए तो अब यहाँ हो जाएगा माइनस सेवन एक्स है ना, माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन बाई माइनस सेवन जेड, अंक वाला को जोड़ दीजिए तो यहाँ देखिए माइनस चौदह माइनस सेवन तो हो जाएगा माइनस इक्कीस और माइ प्लस इक्कीस कट जाएगा। चलिए अब यहाँ से सेवन माइनस सेवन कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो यह हो गया आपके समतल का समीकरण है ना, समतल का समीकरण। तो चलिए बच्चों हमारा अगला टाइप है टाइप सेवन है ना, टाइप सेवन बोला है किसी बिंदु से किसी तल पर खींचे गए लंब की लंबाई पर आधारित प्रश्न, किसी बिंदु से किसी तल पर खींचे गए लंब की लंबाई पर आधारित प्रश्न है ना, आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है और इसका नियामक दिया हुआ है एक्स वन वाई वन जेड वन, या मान लेते हैं इसको अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ से लंबवत दूरी यानी न्यूनतम दूरी ये होगा, इसको न्यूनतम दूरी बोलते हैं, और ये तल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए, चलिए इसको बिंदु को मान लेते हैं A, दूरी को मान लेते हैं P, ठीक है, और समीकरण दिया हुआ है इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, ठीक है प्लस डी बराबर जीरो, तो हमको निकालना है दूरी इसके बीच की, न्यूनतम दूरी निकालना है, क्या निकालना है इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसके बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर न्यूनतम दूरी का है ना, होता है A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा प्लस D बटे रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, करना कुछ नहीं बस समतल के समीकरण में क्या करना है अल्फा बीटा और गामा का मान रख देना है, और नीचे में क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, आप लोग देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है कि बिंदु 112 से समतल इतना पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करें, लंब की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है तो देखिए ध्यान से, तो मान लेते हैं यहां पे, माना कि
माना कि बिंदु का नियामक मान लेते हैं ए, तो दिया हुआ वन वन और टू, तो यही होगा हमारा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण दिया हुआ है वेक्टर आर इंटू टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस फाइव बराबर जीरो, ठीक है, प्लस फाइव बराबर जीरो। इसको भी बदल लीजिए आप, इसको भी बदल लीजिए, है ना, कार्तीय समीकरण में। कार्तीय समीकरण में बदलेंगे बहुत सिंपल है, देखिए दो के आगे एक्स लगा देंगे, फिर दो है फिर इसके आगे बाई लगा देंगे पीछे, और फिर यहाँ फोर है तो लगा देंगे जेड, और प्लस फाइव बराबर जीरो। तो ये हो गया हमारा समतल का समीकरण, ठीक, क्या हो गया समतल का समीकरण हो गया। अब इसके निकालेंगे दूरी ए से समतल की, ए से समतल की दूरी, ए से समतल की दूरी P इक्वल टू वाट, P इक्वल टू वाट, तो P इक्वल टू क्या लेंगे मोड ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी बरा बटे रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसमें ए बी सी कौन होगा, इसमें ए बी सी कौन होगा, तो समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड का गुणांक है, है ना, एक्स वाई जेड का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है दो, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर दो बी बराबर माइनस दो और सी बराबर फोर, यही हो जाएगा हमारा ए बी सी। बैठा दीजिए फॉर्मूला पे, तो ए अल्फा तो क्या होगा दो गुना अल्फा, अल्फा का मान कितना है वन, बी बीटा तो माइनस दो गुना बीटा, बीटा का मान कितना है वन, प्लस सी गामा तो चार गुना गामा, गामा का मान कितना है दो, और प्लस डी, डी का मान कितना है, यहाँ ये होगा हमारा डी का मान यानी फाइव, अब बटे रूट अंडर हो जाएगा दो का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा कितना चार का स्क्वायर। तो बैठा दीजिए देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा दो माइनस दो और प्लस आठ प्लस पाँच, अब बटे हो जाएगा नीचे में आपका चार प्लस सोलह, तो हो जाएगा आपका दो दो कट जाएगा तो हो जाएगा तेरह बटे चार चार आठ सोलह आठ चौबीस, यानी रूट अंडर चौबीस, रूट अंडर चौबीस, तो हो जाएगा आपका तेरह बटे टू रूट सिक्स इकाई। तो यही हो जाएगा हमारे किसी बिंदु से समतल की दूरी, है ना, किसी बिंदु से समतल की दूरी। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समांतर तलों के बीच की दूरी ज्ञात करें, निम्नलिखित समांतर तलों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं, माना कि प्रथम तल का समीकरण, प्रथम तल का समीकरण, तो जगह पे देखिए वेक्टर आर इंटू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप इक्वल टू फोर, और दूसरा तल का समीकरण, दूसरा तल का समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर इंटू, वेक्टर आर इंटू हो जाएगा सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस नाइन के कैप प्लस तेरह बराबर जीरो, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से बराबर जीरो, तो हमको निकालना है दोनों, ये दोनों तल जो है समांतर हैं, तो समांतर तलों का बीच की दूरी, तो लिखते हैं समांतर तल के बीच की दूरी, समांतर तल के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं P इक्वल टू वाट। चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखें तो पहले यहाँ पे प्रथम तल का समीकरण, देखें प्रथम तल का समीकरण, इसको बदल लीजिए कार्तीय रूप में, तो यहाँ दो है तो टू एक्स लगाएंगे, यहाँ वन है यहाँ लगाएंगे माइनस वाई, यहाँ लगाएंगे प्लस थ्री जेड, चार प्लस में क्या होगा माइनस में बराबर जीरो। अब दूसरा तल का समीकरण, दूसरा तल का समीकरण, तो जगह पे छ एक्स माइनस थ्री वाई प्लस नाइन जेड प्लस तेरह बराबर जीरो,
अगर इसमें कोई कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों तल समांतर है। तो जब दोनों तल समांतर रहता है तो उसमें एक्स वाई और जेड का गुणांक बराबर होना चाहिए। एक्स वाई जेड का गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ से तीन कॉमन ले लेते हैं, तो जगह टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड प्लस तेरह हो जाएगा आपका 13/3 बराबर जीरो। तो जगह आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 13/3। अब इसमें जो अचर पद आया है उसको d1 मानिए। क्या मानना है? d1। और इसमें जो अचर पद आया है उसको d2 मानेंगे। और x, y, z के गुणांक को a, b, c मानेंगे। तो a बराबर कितना? 2। b बराबर कितना? -1। और c बराबर कितना? 3। है ना, a बराबर 2, b बराबर y के आगे क्वेश्चन तो 1 है, तो b बराबर -1 और c बराबर 3। अब बैठा दीजिए फॉर्मूला, तो p बराबर होता है आपका a, सॉरी होता है d 2 माइनस डी 1 बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो d2 माइनस d1 तो होगा 13/3 माइनस d1, d1 कितना है? -4। d1 है -4 तो होगा +4 बटे रूट अंडर a का स्क्वायर। तो a कितना दिया हुआ है? 2। तो जगह 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 3। तो जगह 13/12 बटे रूट अंडर 4+1+9। तो 12 13 हो जाएगा आपका 25/3। इसको उलट देंगे, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, तो होगा 1/√14। तो आ गया आपका 25/3 रूट 14 इकाई। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है।